Hello everyone, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and the topic which I am going to discuss today is institutional planning. It is a subtopic of the main heading educational planning, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode, and subscribe my channel if you like my content and to get my future videos too on various topics of education. Okay, so let's start. What is institutional planning? संस्थागत नियोजन क्या है? हमने शैक्षिक नियोजन पढ़ लिया है, और जब हमने शैक्षिक नियोजन पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि उसका एक टाइप है संस्थागत नियोजन. तो प्लानिंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ए प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूशन. ऑब्वियस है कि हमको कोई इंस्टीट्यूशन चलाना है, उसकी स्मूथ रनिंग करनी है, तो हमको उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम उसमें क्या प्रोग्राम्स चाहते हैं. ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, और उसके लिए, उस गोल्स की प्राप्ति के लिए हमको इंप्लीमेंट करना पड़ता है. जब एक्शन प्लान, उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं. इट इज ए प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन. यानी कि किसी भी शैक्षिक संस्था में हमको बहुत सारी क्रियाएं करानी पड़ती हैं, तो उनके विकास के लिए, उनको सुधार करने के लिए संस्था के द्वारा बनाई गई जो योजना है वो संस्थागत नियोजन कहलाती है. और इस किस पर बेस होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द लर्नर्स नीड्स, यानी कि जो उसमें पढ़ने वाले हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होंगे वो गोल्स. और रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इन इट्स प्रीमाइसेस, और उस इंस्टीट्यूशन में जितना भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उस पर बेस करेगा, उस पर आधारित होगा. Thus, the institutional planning is a course of action. ये एक तरीके का action plan है, prepared by the members of the institution. उस संस्था के सदस्य जो हैं, वही उसको बनाते हैं. किसके लिए बनाते हैं? For promoting the institutional setup, जिससे कि हम उस संस्था के institutional setup को बेहतर कर सकें, उसमें सुधार कर सकें. Okay? फिर हम इसको एक अच्छी डेफिनेशन, एक अच्छी कोट से कोट कर सकते हैं, एक अच्छी सेइंग से. एम बी बुद्ध साहब का कथन है, 1968 में इन्होंने कहा था, 1968 में, देखिए कितनी पुरानी बात है. सॉरी. एन इंस्टीट्यूशनल प्लान इज ए प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए किया गई एक योजना है, एक कार्य है, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको कि एक शैक्षिक संस्था बनाती है. ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर आधारित होती है ये एक्शन प्लान हमारा? फेल्ट नीड्स, जो उस संस्था ने आवश्यकताएं महसूस की होती हैं उस पर, एंड द रिसोर्स अवेलेबल और लाइकली टू बी अवेलेबल, और किस पर बेस्ड होता है? जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उस पर, या उपलब्ध हो सकता है भविष्य में उस पर, विद अ व्यू, और हमारे लक्ष्य में कौन सा दृष्टि रहती है कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्कूल के प्रोग्राम को, स्कूल की प्रैक्टिसेस को. देखिए, कहीं कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलेगा, कहीं स्कूल मिलेगा लिखा हुआ, तो वो दोनों एक ही मतलब है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्कूल एंड द कम्युनिटी. यानी कि प्लानिंग में हम स्कूल के रिसोर्सेज को तो लेंगे, कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन ले लेंगे, और इसीलिए हर इंस्टीट्यूशन को अपनी फेल्ट नीड्स के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि वो गोल्स को अचीव कर सके. ओके, सो दिस इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. और क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इट्स फिफ्थ 5-year प्लान गेव स्पेशल अटेंशन टू इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने अपने 5वीं पंचवर्षीय योजना जब बना रही थी, तो उसमें संस्थागत नियोजन को विशेष महत्व दिया गया. इट बेसिकली इंडिकेट्स टू थिंग्स. इसके अंतर्गत दो तरीके की प्लानिंग आती है. कौन कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग. यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में दो प्लानिंग आएंगी. एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाए, यानी कि क्लासरूम के अंदर कैसे टीचिंग लर्निंग चलेगी, और क्लासरूम को इटसेल्फ हम कैसे बेहतर बना सकते हैं. ये दो तरीके की प्लानिंग मिलकर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग बनते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है क्या? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन. है ना, जो मटेरियल रिसोर्सेज है, क्लासरूम, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जो भी है, उसको हम कैसे बेहतर बनाएंगे,
और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में क्या आएगा, इट इज एसोसिएटेड विद द प्लानिंग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियरल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि मटेरियल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के तहत प्लान करेंगे कि कैसे बेहतर बनाना है, और मटेरियल के अलावा जो कुछ भी सॉरी और पार्ट्स हैं वो सब कुछ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में आ जाएगा, यानी कि उसका बिहेवियरल पार्ट बन जाएगा, सच एज मटेरियल रिसोर्स निकल गया तो बचा क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में तय करेंगे। और हमको बनाना क्यों है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके, जिससे हमको जो प्रोग्राम है उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको लागू कर सकें। इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये एक मतलब सिस्टमैटिक है, हैपजर्ड नहीं है, हम एक क्रमबद्ध चलेंगे, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया ऑफ अप्लाइंग, यानी हमें अप्लाई करना है, लागू करना है, क्या करना है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को टू दी प्लानिंग, यानी कि नियोजन हमें ऐसे नहीं हैपजर्ड आज इधर चले आज उधर चले, नहीं, क्रमबद्ध होगा, सिस्टमैटिक होगा, साइंटिफिक होगा, तो प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि पहले हमने योजना बनाई, फिर हमने नमूना बनाया, फिर हमने उसको निर्माण कर लिया, फिर हमने उसको लागू कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इवेल्युएशन किया, यानी कि मूल्यांकन किया उसका, फिर ऑफ एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि तब हम एक प्रभावी, एक प्रभावोत्पादक अनुदेशन दे पाएंगे, किसके लिए, फॉर अचीविंग द पर्पस और गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ताकि हम गोल यानी कि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के तहत आपकी संस्था का निर्माण किया गया है उसको हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के दो हिस्से हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में मटेरियल रिसोर्सेज की बात की जाएगी, और अदर देन मटेरियल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज बिहेवियरल पार्ट, इसकी बात इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में की जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है संस्थागत नियोजन का, सबसे पहले एन एफर्ट टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसा ना हो कि आपके इंस्टीट्यूशन के पास रिसोर्स है तो पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक प्रयास हो जिससे संस्था के सभी जो प्राप्य संसाधन है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। टू इनरिच द इंस्ट्रक्शन इन दी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का निर्माण क्यों किया गया, ताकि हम उसमें बढ़िया से बढ़िया आपको शिक्षण प्रदान कर सकें, तो बढ़िया इंस्ट्रक्शन हम कर सकें अपना इसके लिए। देन to deliver the opportunity and freedom to teachers to take suitable course of action in order to bring about effectiveness of the institution, yani ki hum opportunity अवसर प्रदान करें, इतनी स्वतंत्रता दें शिक्षकों को कि जो भी कोर्स वो पढ़ा रहे हैं उसमें वो बढ़िया इफेक्टिवनेस कैसे ला सकें, कैसे इंस्ट्रक्शन अपना बढ़िया बना सके, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की जाती है। टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल लेवल प्लानिंग, हमने बात की थी कि जो नेशनल लेवल प्लानिंग है वो तो एक प्लानिंग हो गई, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने संसाधन है, इतनी विविधता है, तो हर इंस्टीट्यूशन को अपनी फेल्ट नीड्स के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से अपनी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करनी होगी। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो एक सेतु का काम करती है, एक बांध का काम करती है, एक पाटती है रास्ता किसके किसके बीच में, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप करे इन द लाइन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ओके, देन टू मेक प्रोविजन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एडिक्वेट अवेलेबल मैन पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके इंस्टीट्यूशन में जितना भी मैन पावर उपलब्ध है उसको हम बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइज कर सकें। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द लोकल कम्युनिटी, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू ज्वाइन हैंड्स इन इम्प्रूविंग द इंस्टीट्यूशन, यानी कि सब एकदम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा अवसर प्रदान किया जाए कि संस्था के उत्थान के लिए काम करें। फिर टू प्रोवाइड रियलिस्टिक एंड कॉन्क्रीट आइडियाज टू इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, और जब फेल्ट नीड्स के हिसाब से प्लानिंग होगी तो वो रियलिस्टिक होगी। तो ये और बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनके तहत संस्थागत नियोजन किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इसकी खास बात है, क्या विशेषता है संस्थागत नियोजन की, सबसे पहली विशेषता ये नीड बेस्ड है, आवश्यकता पर आधारित है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा संसाधन क्या है, हमारे रिसोर्सेस क्या है, हमको कहां तक जाना है, तो किस बढ़िया से बढ़िया रास्ते से जा सकते हैं, यही इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है। देन स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक है, हमारा जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नहीं हो सकती, बिकॉज बोथ इंस्टीट्यूशन आर डिफरेंट, बोथ दी रिसोर्सेज आर डिफरेंट, स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट, देयर नीड्स आर डिफरेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द लर्नर्स आर डिफरेंट। ओके, देन
यूटिलाइजिंग ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि जितना भी मैन पावर है, जितना ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हमको यूटिलाइज करना है. गोल ओरिएंटेड है, हम लक्ष्य आधारित है, लक्ष्योन्मुख है, लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं, वैसे ही कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं. कोऑपरेटिव कहा ही जा रहा है कि स्कूल स्टाफ कम्युनिटी एवरीबडी का पार्टिसिपेशन हमको सीख करना है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव, वी कैन इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम आवश्यकता के हिसाब से लचीलापन रखेंगे, इतना रिजिड नहीं होंगे कि बिल्कुल ये नहीं करना है ये करना है. कह रहा है ना कि अवेलेबल रिसोर्सेज और या जो इनलाइकली लाइकली टू बी अवेलेबल इन फ्यूचर, तो इसलिए हम फ्लेक्सिबल भी होंगे. तो इतनी तरीके की खास बातें, विशेषताएं संस्थागत नियोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, बन जाती हैं. देन स्टेप्स, ऐसे चलें, कौन कौन सा चरण है, पहला क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है. तो सबसे पहले तो हमको करना है विश्लेषण, एनालिसिस करनी है, एकदम बढ़िया सटीक एनालिसिस हमको करनी है कि क्या हमारा इंस्टीट्यूशन है, कहाँ तक हमको जाना है, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितना मैन पावर है, कितना ह्यूमन एफर्ट हम लगा सकते हैं इसमें, मेटीरियल रिसोर्सेज की क्या स्थिति है. फिर सर्वे ऑफ द नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमारे संस्था की क्या आवश्यकताएं हैं, इसका सर्वे किया जाए. फिर हमारे पास कितना संसाधन है, इसका सर्वे करें. उसके बाद क्या करें, डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान. फिर हमको सुनिश्चित करना होगा कि सबसे पहले क्या सुधारना है. सब चीजें एक साथ नहीं सुधारी जा सकती, वन बाई वन चलेंगे. तो पहले प्रायोरिटी सुनिश्चित करेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरत में मरम्मत किस चीज की है, किस चीज की मरम्मत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है. तो उसको सुनिश्चित करेंगे, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाएंगे. देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे, जो योजना हमने बनाई है उसको लागू कर देंगे. और उसके बाद लागू करने के बाद देखेंगे, उसका फॉलोअप करेंगे कि हम कितने सफल हुए, कहाँ कोई कमी रह गई, लूप होल रह गया, कोई दिक्कत आई, उसको फिर सुधारेंगे. तो इस तरह से इवेल्युएशन करेंगे. इस तरह से इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग चलती है, पहले एनालिसिस करना है, फिर नीड्स का रिसोर्सेज का सर्वे करना है, फिर प्रायोरिटी सेट करनी है, फिर प्लान बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड देन उसका इवेल्युएशन करना है. ओके, स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है संस्थागत नियोजन का, करेंगे तो क्या क्या फायदा है, कहां कहां सुधार हो सकता है, हो सकता है किसमें सुधार हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल कैंपस, एकेडमिक फैसिलिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और स्कूल प्रोजेक्ट्स. मतलब आपका जो संस्था है उसका जो कैंपस है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार हो जाएगा हम इस तरह से योजना बनाएं. फिर एकेडमिक फैसिलिटीज, यानी कि देखो इंस्टीट्यूशनल कैंपस किससे जुड़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एकेडमिक फैसिलिटीज किससे जुड़ गई, इंस्ट्रक्शनल से. तो ये दोनों तो सुधर ही जाएंगे अगर हम उस दिशा में काम करेंगे. तो को करिकुलर एक्टिविटीज भी, क्योंकि आजकल पढ़ाई, आजकल क्या, बहुत समय पहले से सिर्फ करिकुलम से काम नहीं चलेगा, को करिकुलर भी चलता है, ताकि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड कर सकें. तो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी सुधार आएगा. एंड स्कूल प्रोजेक्ट्स में, कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो आपके, हमने कहा था ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखें या स्कूल लिखें, दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं. तो इतनी चीजों में सुधार आ जाएगा अगर हम बढ़िया इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करेंगे. तो देन बेनिफिट्स, क्या लाभ है इसके, बिल्कुल लाभ है. क्या लाभ है, इट इज मोर रियलिस्टिक. ये क्यों रियलिस्टिक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स. हमने स्टेक होल्डर से पूछा है, स्टाफ से बात की है, टीचर से बात की है, स्टूडेंट से बात की है, पेरेंट्स से बात की है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे बात की है, तब हमने बनाया है कि इसकी क्या नीड्स हैं, क्या गोल है, कहां तक हमको जाना है, इसलिए रियलिस्टिक होता है. देन इट अवॉइड्स वेस्टेज, इसीलिए इसमें नुकसान नहीं होता है. क्यों, क्योंकि हम किस पर काम कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज अबाउट रियल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी. जो कि समुदाय है, जो भी सोसाइटी जिसमें वो स्कूल इंस्टीट्यूशन आपका स्थित है और जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने ही तो डेटा प्रोवाइड किया, उसी हिसाब से हमने एक्शन प्लान बनाया, इसलिए वेस्टेज कम होता है और रियलिस्टिक होता है, इसलिए ज्यादा प्रभावी होता है. और इन्वॉल्विंग टीचर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओह ये प्लानिंग कहाँ, ये PL आएगा यहाँ पे. प्लानिंग मोटिवेट्स देम एंड चैनलाइजिंग देयर एनर्जीज टुवर्ड्स अचीविंग द गोल. जब हमने टीचर, जब हम किसी चीज में, योजना में हम खुद शामिल हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि वो योजना सफल हो. तो जब शिक्षक योजना में शामिल होंगे तो वो चाहेंगे योजना फलीभूत हो, इसलिए उनकी एनर्जी जो होती है वो भी चैनलाइज होती है राइट डायरेक्शन में, और वो चाहते हैं, वो उस दिशा में काम करते हैं कि जो योजना है वो अपने एंड को प्राप्त कर सके. इसलिए इसके बहुत लाभ है, बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं यहाँ. अब कंक्लूजन, कैसे हम निष्कर्ष निकालें संस्थागत नियोजन पर.
इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो आपका भारतीय शिक्षा कमीशन आयोग आया था, जिसको कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग भी कहते हैं, 1964 में आया था, 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी. ये क्या कहता है? दैट एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन डू अ ग्रेट डील थ्रू बेटर प्लानिंग एंड हार्डवर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद इन इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. यानी कि कोई भी शैक्षिक संस्था बहुत अच्छा कर सकती है अगर वो बेहतर योजना बनाए और कठिन परिश्रम करे उस दिशा में जिससे कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके उसके जितने रिसोर्स हैं उसमें होते हुए भी. देन डॉक्टर वी के आर वी राव कहते हैं, हैड ऑल्सो एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ द स्कूल. ही रिमार्क, ईच इंस्टीट्यूशन विल हैव टू लर्न टू प्लान इट्स डेवलपमेंट ऑन इट्स ओन इंडिविजुअल लाइंस विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके देश में बनी हुई है, अभी तो नई 2020 में आ गई है, तो उसकी लाइन में यानी उसी दिशा में उसी की कंफॉर्मिटी में कैसे हम अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसी प्लानिंग करें कि हम उन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए. क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन के लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती, हमको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया गया और हर इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से, अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने स्टेक होल्डर्स के हिसाब से उस ब्रॉड फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग करनी है. और अगर ऐसा करेंगे तो बेहतर है, बेहतर हम चीजें अचीव कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, शिक्षण व्यवस्था सुधार सकते हैं, बढ़िया स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड टू टॉपिक्स, फर्स्ट वन एजुकेशनल प्लानिंग एंड द सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू. ओके, डन फ्रॉम माई साइड.